दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फ्लोज जुड़े में। दोस्तों, आज जुड़े में आप लोगों को बताऊँ कैसे आप लैपटॉप कंप्यूटर में अंदर ड्राइव पार्टीशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को देखा था तो मैं लैपटॉप के अंदर कितने ड्राइव है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को तो दोस्तों मैं लैपटॉप के अंदर यहाँ पर 3 ड्राइव है, तो दोस्तों मैं एक ड्राइव और बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जाननी हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपल सा मैनेज में जाना है। दोस्तों, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो इसको, और यहाँ पर आपको नीचे स्टार्ट बटन क्लिक करके उस पर राइट क्लिक करके, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डिस्क मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको क्लिक करके शुरू कर सकते हो। हम दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस पर राइट क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों वेट कीजिएगा इसका, और इसको मैं इसको पूरा कर देता हूँ स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, थोड़ा वेट कीजिएगा, इसका लोडिंग लेने में थोड़ा टाइम लेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मेरे 3 ड्राइव यहाँ पर शो कर रहा है, और ये एक इतना स्पेस मेरा भी लैपटॉप के अंदर पड़ा है 11.72 GB फ्री स्पेस। तो फ्रेंड्स, मैं इसका एक ड्राइव बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सिंपल पर राइट क्लिक कर दीजिएगा। राइट क्लिक करने में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, इसको आप सिंपल सा नेक्स्ट क्लिक कर दीजिएगा, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पर। अगर आपको वैल्यू इसकी कम करनी हो, जैसे आपको 10 GB हो या कितना बनाना हो, 8 GB जितना, तो आप कम कर सकते हो। दोस्तों, मेरे को यहाँ पर जितना का जितना है इसको रखना है। तो फ्रेंड्स, इसको नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पर आपको सिंपल से यहाँ पर सिलेक्ट करना है इसका क्या वैल्यू होना चाहिए, जैसे कि EFGD। तो मैं आपको सिंपल से इसको D रखता हूँ। तो नेक्स्ट करता हूँ। उसको सिंपल से आपको डिफॉल्ट, और यहाँ पर आप इसका नाम चेंज करते हो। मैं इसका इसका नाम न्यू वैल्यू रखता हूँ। फ्रेंड्स, इनको आपको नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपको सिंपल सा फिनिश करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल से यहाँ पर यहाँ पर ड्राइव बन जाएगा, ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट बनने को तो आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर सिंपल सा उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल सा फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए हमारे यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह न्यू वैल्यू बना सकते हो लैपटॉप या पीसी के अंदर। दोस्तों, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप जब भी लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हो, तो आपको हमेशा सी ड्राइव हमेशा खाली रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों खाली रखोगे जितने आपका लैपटॉप पीसी फास्ट लेगा। तो फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। और हाँ दोस्तों, आप अगर इसी तरह इसको ड्राइव को हटाना चाहते हो, तो वही प्रोसेस है आपका। सिंपल सा इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, और उस पर सिंपल सा आपको मैनेज में जाना है। ठीक है, मैंने पहले वहाँ से बताया, तो अब यहाँ पे बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको दोनों तरीके से कैसे ओपन करो, काम एक ही होगा। तो फ्रेंड्स, आप सिंपल से आपको दिक्कत देता हूँ करके आप कैसे इसको डिलीट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों, मैंने भी यहाँ पर न्यू वैल्यू बनाया, इसको डिलीट करना चाहता हूँ। सिंपल से राइट क्लिक करना है, तो आपको डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक करना है, तो आपको जो आपने ड्राइव बनाई है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब तो करना ही है आप लोगों को। और कमेंट नहीं किया तो पता कैसे चलेगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।